बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सबका आभार। और ये इसलिए आभार हम कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष ने भी तय किया कि 3 दिन के अंदर में पूरे 9 शिलान्यास और जो उद्घाटन हमारे हुए हैं इनको हम 3 दिन में उन कार्यकर्ताओं के बीच में और उन लोगों के बीच में जाकर के आएंगे जहां पर नीचे भ्रम की स्थिति तो ना रहे, ये स्थिति ना रहे कि हम कोई द्वेष भावना से ये प्रदेश सरकार काम नहीं करती है। जहां जो काम छोड़ा उसको और तीव्र गति से देना ये हमारे जयराम ठाकुर की सरकार की एक प्रतिबद्धता है, उनका एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट को लेकर के हमने कोई उन जो झूठे कार्य थे जिनकी शिला पट्टिकाएं यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी उन्होंने जो छोड़ दी थी, तो वहां पर अगर किसी सड़क के लिए 5 लाख रुपया दिया तो जयराम ने उस सड़क को कंप्लीट करने के लिए 5 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए नागेशी आपको बहुत बधाई है कि आपकी सड़क के लिए हम 5 लाख की करोड़ ना कर सके। हमारे नेतृत्व ने, शिमला ग्रामीण के नेतृत्व ने वहां पर पिछले 1 साल में 2 साल में मुख्यमंत्री के पास में ये डिमांड रखी है कि ये कंप्लीट सड़कें जिसमें मशीन लगवा दी थी, ठगीबाजी हम जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल की सरकारों को हमने देखा है 50,000 रुपया दे करके 5 साल तक में बोलते तुम्हारा उपजा जा दिया हुआ, हमने दिया नहीं हुआ। गांव गांव में ऐसे ठगीबाजी करके उपजा जा रहे हैं, हम उनके लिए वोट का एक माध्यम रहते थे। ये जयराम सरकार है, आपने 5 लाख दिया हमने करोड़ दिया है, ये कमिटमेंट बताने के लिए आज हम गांव में आए हैं, गांव गांव के बीच में आए हैं कि इस तरह का भ्रम जो है हमारे माननीय विधायक विक्रमादित्य जी भी कह रहे हैं ये शिक्षा का परिसर है, यहाँ हम उस तरह की राजनीतिक बातें भी नहीं करना चाहती। मन में ठेस रखती है, हमारा माननीय विधायक हमारे बीच में आता, हमारे साथ चलता, हम भी तुम्हारे साथ चलते, परंतु आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं टूटू में बैठ करके कि आपने उद्घाटन जो है ये क्यों कर रहे हैं। आप अधिकारियों को पूछ रहे हैं कि ये कौन सी पट्टिकाएं लगा रहे हैं, ये पट्टिका हमारा मान है, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम उस पट्टिका पर लिखा, बड़े मान सम्मान के साथ में हम फील्ड में जाकर के उस पट्टिका को बड़े आदर पूर्वक में पूरे विधि विधान से पूरे रीति रिवाज से लगा करके इतना जाकर के हम इस हेतु से ही इस कार्यक्रम का एक अंग बने हैं और आप उस अंग में शरीक हुए, आप उस कार्यक्रम के निमित्त में हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदेश सरकार को, जयराम ठाकुर को, माननीय शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी को और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी को आपने जो ये धन्यवाद के रूप में आकर के हमारा मान बढ़ाया उसके लिए मैं बड़ा धन्यवादी हूँ। हम रुकेंगे नहीं, अभी ये 9 शिलान्यास कर लिए, 9 उद्घाटन कर लिए, 9 फिर प्रगोज है, लिस्ट हम लेकर के आए हैं, 9 अब हम अगले महीने हम वर्चुअल ही करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, जहां फिजिकल बनेगा वहां फिजिकल भी करेंगे। और सुनीता जी आपने जो 15 लाख की असेसमेंट हमारे को दी है, 5 एम्बुलेंस रोड इस ओखरू में कहे हैं, हम आपकी आवाज में आवाज बनकर डॉक्टर प्रमोद जी, मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरे महामंत्री, यहां जो बीजेपी का नेतृत्व हमारे समक्ष में बैठा है, हम इस ओखरू पंचायत में नहीं तो